छात्र संघ चुनावों की बहाली, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के निर्माण को जल्द शुरू करने और कॉलेज की स्थानीय मांगों को लेकर एबीवीपी के द्वारा प्रदेश भर में कॉलेज स्तर तक प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंडी स्थित वल्लभ महाविद्यालय में भी एबीवीपी की मंडी इकाई ने भी कॉलेज की स्थानीय मांगों को लेकर पूर्ण शिक्षा बंद के साथ ही कॉलेज के गेट पर तालाबंदी कर दी, जिसके चलते कॉलेज की कक्षाएं पूरी तरह से प्रभावित हुई। एबीवीपी की ओर से इकाई सचिव विशाल ने कहा कि एबीवीपी की ओर से समय समय पर कॉलेज प्रबंधन के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन और प्रदेश सरकार को ज्ञापन दिए जाते हैं, लेकिन इस दिशा में कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए। उन्होंने कहा कि वल्लभ कॉलेज प्रदेश का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, लेकिन यहाँ पर बस पास काउंटर की सुविधा नहीं है, जिसके चलते विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ ही कॉलेज में पार्किंग की सुविधा नहीं है और शौचालय की हालत भी ठीक नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरे कॉलेज कैंपस में ताले लगा दिए हैं। हमने पहले भी प्रिंसिपल सर को बताया था कि हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हमने प्रिंसिपल सर के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया, यूनिवर्सिटी प्रशासन को भी अपनी मांगे बताई। हर एक पूरे हिमाचल प्रदेश में आज हर एक कॉलेज में ताले लगाए गए हैं। अगर अब भी प्रशासन हमारी मांगों को पूरा नहीं करता है तो विद्यार्थी परिषद और आगे सोचेगी। पर जो हमारी मांगे थी, जो कॉलेज कैंपस में पास सबसे बड़ा कॉलेज है पूरे प्रदेश का, कॉलेज में ही बस पास काउंट की सुविधा नहीं है। बच्चों को बस स्टैंड में जाना पड़ता है, लाइनों में लगना पड़ता है, तब जाके बस पास बनाते हैं। और कहने को तो मंडी महाविद्यालय पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, पर इस महाविद्यालय में ना पार्किंग की व्यवस्था है, टॉयलेट्स के सबसे गंदे हाल इस कॉलेज में है। अगर अभी भी प्रशासन ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी। ऐसे तो एक घंटे का ही प्रदर्शन, पूरे एक दिन का प्रदर्शन है। अगर हमारी मांगे नहीं की गई तो विद्यार्थी परिषद अग्र आंदोलन करेगी। वहीं दूसरी ओर कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर राकेश शर्मा ने कहा कि छात्र संघ के द्वारा कॉलेज लेवल की जो मांगे रखी गई हैं, कॉलेज प्रबंधन ने बस पास काउंटर सहित इन सभी मांगों को पूरा करने का भरसक प्रयास किया है। आज डिग्री कॉलेज मंडी में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेट कॉल के तहत कॉलेज को बंद कर दिया था। बच्चों को हमने सवेरे एक्शन में आए और बच्चों को बुला के इनको समझा बुझा के इनको परसों कर दिया कि ये जल्द से जल्द यहाँ पर जो इन्होंने ताले लगाए हैं कॉलेज गेट के ऊपर, इसको खोल देंगे। और हमने पुलिस को भी सूचित कर दिया है और पुलिस विभाग और उनके कर्मचारी पुलिस मैन यहाँ पे कॉलेज में आ गए हुए हैं और इनकी प्रेजेंस में ही, पुलिस मैन की प्रेजेंस में ही ये सब चीज़ें डिस्कस हुई और ये एग्री कर गए कि ताला खोल के हम अपना एजुकेशन खत्म कर देंगे। और जो भी इनकी डिमांड होगी, जो कॉलेज स्तर के ऊपर या यूनिवर्सिटी के स्तर के ऊपर गवर्नमेंट तक जो बात पहुँचानी है, वो हम कॉलेज के माध्यम से पहुँचा दें। इनकी एक डिमांड तो ये है कि बस पास काउंटर खोला जाए, जिसके लिए मैंने जब लास्ट ईयर दिसंबर में ज्वाइन किया था, तब से जब मेरे पास रिप्रेजेंटेशन आई थी और हम एक्शन में रहे और कंटिन्यूसली आर एम साहब से बात भी की। और पीछे जैसे आर एम साहब ने हमसे कंप्यूटर रूम्स और कुछ एक फैसिलिटी प्रिंटर वगैरह यूपीएससी चीज़ें मांगी थी, जिसके लिए हमने एग्री कर गए थे और देने का हमने इशू भी कर दिया था। पर आर एन साहब यहाँ खुद आए थे, उन्होंने कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हमें बताई, कुछ सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, कुछ ऑनलाइन अपना कहते पास बनने हैं। तो आज उन्होंने उसमें प्रॉमिस किया था कि जब भी इस तरह का एजुकेशन होगा इससे रिलेटेड तो आप मेरे को बुला लेना, मैं बच्चों को पूरा समझाऊँगा कि किस तरह से ये बस पास स्कीम की अपनी समस्या का समाधान हो जाएगा। और आज भी उन्होंने आने का प्रॉमिस किया है कि मैं 11:30 के आसपास यहाँ पे आ जाऊँगा और बच्चों से मिलके इस समस्या को दूर करने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।